हरी बहरवा जी, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष कांथा साहब, हमारे पूर्व विधायक कमल बहरवा जी, हमारी ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती मीना जी, मंच में उपस्थित सभी नौजवान दोस्तों, पार्टी के पदाधिकारीगण और गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, साथियों, माताओं, बहनों, 25 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और आपके बीच में मैं वोट मांगने के लिए आपके आया हूँ गांव में। मैं समझता हूँ 5 साल में आपने इस क्षेत्र में, गांव में, पंचायतों में जो विकास देखा, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे बाकी काम हो, वो सब काम आपके बीच में हुए। 25 तारीख का चुनाव बड़ा चुनाव है, प्रदेश का चुनाव है, इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि सारी बातें भूलकर 36 ही कौम के लोग, इस उत्साह से आपने आज स्वागत और सम्मान किया है, इसको बरकरार रखना है। अभी 12-13 दिन बचे, अब बीच में बहुत से नेता आएंगे, मुझे लगता है पहला उम्मीदवार आया, अभी कोई आए काम में आएंगे, वोट मांगेंगे, उनकी बात तो सुनना है, लेकिन तुलना करनी पड़ेगी हमको पार्टी की, इतिहास की, काम करने के तरीके की और उम्मीदवारों की। मैं समझता हूँ कि पिछली बार जो आप लोगों ने वोट दिया, अच्छे बहुमत से हम लोग जीत कर गए, लेकिन 25 तारीख को जब चुनाव होगा तो पूरे देश की निगाह टिकी हुई है गांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, कितने बहुमत से यहाँ हम लोग जीत कर जाते हैं, इसका निर्णय आपको करना है और वोट की ताकत को समझना है। एक एक वोट महिला का, बुजुर्ग का, पुरुष का, हर जाति बरादरी का, ये हमारे देश की बहुत बड़ी खूबी है कि कितना बड़ा उद्योगपति हो, मंत्री संतरी हो, और हमारे को किसान भाई हो, दलित आदिवासी भाई बहन हो, उसकी भी एक वोट की एक ही कीमत है, इस कीमत को समझना है। और हम अच्छे माहौल में भाषण भी दें, ताली बजाएं, नारे लगाएं, फूल माला, लाडू के सब खा लें, और 25 तारीख को वोट डालने नहीं जाए तो फिर मामला खराब है। और वोट की कीमत है, वोट कीमत पेटी के अंदर है। हम कितना बड़ा जलसा कर लें, भाषण दे दें, हजारों लोग गांव इकट्ठे हो गए, लेकिन वोट नहीं पड़े हुए तो फिर गिनती नहीं है। पूरा माहौल प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में बन चुका है, इसलिए आने वाले समय में और विकास हो और इन 11 पंचायतों के भविष्य के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। मैं जानता हूँ कुछ दिन पहले ये मामला उठा था कि 11 पंचायत हमारे जिले के बाहर चले जाएंगे, लेकिन आप सबकी ताकत की वजह से हमने मजबूती से जयपुर में बात को रखा, हमारी 11 पंचायत हमारे साथ है। बटन दबाकर भारी बहुमत से ये गांव, ये पंचायत मैं अपना मानता हूँ, इसलिए हक से मांग रहा हूँ गांव लोगों से, हर बूथ पर अधिक से अधिक मतदान करें और ऐतिहासिक बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। अब मैं आज से लेके 25 को वोट पड़ेंगे, आज 9 तारीख, अभी 16 दिन और है, 14-15-16 दिन, बहुत से नेता आएंगे, अलग अलग बातें बोलेंगे। बीजेपी का शासन आपने देखा है, 10 साल से दिल्ली में सरकार है, मोदी साहब की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब इस सरकार ने 10 साल में क्या किया, महंगाई का जो हाल है, सब्जी, तेल, फल, फूल, साग, कुछ भी आप बाजार में आने जाओ, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे, गैस का सिलेंडर मिलता है 1100 रुपए का, नौकरी लगी नहीं किसी की, उद्योग बंद हो गए, किसान परेशान चल रहा है। 10 साल का तो वादा किया था, खुद वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी करनी होगी, नया किसान बैठे, किसी की आमदनी दुगनी हुई, किसान की आमदनी दुगनी छोड़ो, MSP पे कानून नहीं बना, किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून बनाए थे, वापस लेने पड़ गए, फौज भर्ती होती थी, अब भर्ती बंद करके अग्निवीर चालू कर दिया, इसको लड़का जो जाएगा फौज में 4 साल नौकरी करेगा फिर छुट्टी, तो फौज की भर्ती हो, किसानों का भविष्य हो, नौजवानों का रोजगार हो, उद्योग ठप करने हो, नोटबंदी लागू करनी हो, ये सारा मामला सुलट गया। पूरे देश में आज लोग बदलाव चाहते हैं, राजस्थान से बदलाव चालू होगा, हम लोग यहाँ पर मजबूती से जीत कर जाएंगे, लेकिन ये चुनाव आपका चुनाव है और मेरे जाने के बाद यहाँ बहुत से नेता आएंगे, बहुत से भाषण देंगे, अलग अलग दल के, अलग अलग पार्टी के, लेकिन जैसे मैं पहले बोल रहा था, 100 सुनार की और 1 लोहार की, मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, जितने भी लोग, जितने भी यहाँ माता बहन बैठी हैं, आप सब लोग दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन दे दो कि 25 तारीख को भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।